दोस्तों, क्या आपके घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है और उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता जा रहा है और आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या आपका मोटापा इतना ज्यादा है कि आप चाहते हैं ज्यादा आपकी टांगे भी ना हिले, ज्यादा आपका शरीर भी ना हिले और फिर भी आपका लटका हुआ पेट या आपका अपर बॉडी कम हो जाए, या बहुत से मेरे भाई बहन है जिनकी रिक्वेस्ट आती है, जिनकी लेग्स प्रॉपर ठीक नहीं है, काम नहीं कर पाती है, उनको भी अपना वजन कम करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है या फिर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो भी आप अपने लटके हुए पेट को अंदर कर सकते हैं बैठ कर। सिर्फ एक हफ्ते में उसका विजिबल रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। आपका पेट तो अंदर जाएगा ही, साथ में आपका जो साइड फैट है, अगर आपका ब्रा फैट है, आपके शोल्डर बहुत हेवी हैं, बाजू बहुत हेवी है, या फिर आपके लव हैंडल्स यानी ये जो साइड्स होती हैं ये बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी कम हो जाएंगी, वो भी सिर्फ बैठकर। बेड पर आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे तरीके से मुझे फॉलो करो और फिर बताना कैसा लगा आपको मेरा ये वर्कआउट। इसके लिए आपको एक दुपट्टा लेना है, ठीक है। दुपट्टा क्यों लेना है, क्योंकि जिनका पेट बहुत ज्यादा होता है वो लेग्स को कभी भी ज्वाइन करके नहीं बैठ पाते, तो उनका पेट बीच में गैप ले रहा होता है, स्पेस लेता, तो हम लेग्स को हमेशा वो ओपन करके बैठते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई वर्कआउट करेंगे तो वो हमारा आधा प्रेशर जो है टांगों पे चला जाएगा, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, तो हमारा पेट कम नहीं होगा। तो आपने इस तरह का कोई भी रेशमी दुपट्टा ले लेना है और अपनी टांगों को कसकर उससे बांध लेना है। इस तरीके से आप टांगों को बिल्कुल अच्छे से कस के बांध दीजिए, जैसे आपकी टांगे जॉइंट रहेंगी और जब हम वर्कआउट करेंगे तो हमारे पेट पे उसका लोड आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप किसी भी कंफर्ट उस पे बैठिएगा। अभी मेरे पास स्टूल है, आप बेड पर हो तो बेड पे इजीली कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका बेड पे करने का। आपने अपने आप को जितना आप आगे झुक सकें उतना आप अपने अपने पैरों तक छूने का ट्राई करना है मैक्सिमम, फिर पीछे जाना है, फिर आगे आना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे आना है। ऐसे आपको कम से कम 10 बार करना है रोजाना। आपके घुटने बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं, आपका इससे पेट भी कम हो जाएगा। एक महीने की जगह आपको 1.5 महीना लगेगा, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपका पेट पहले से कम हो गया है, उसके इंचेस लूज होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपसे इतना भी बेंड नहीं होए जा रहा तो आप एक छोटी चौकी अपने पैरों पर रख सकते हैं और उसके बाद अपनी बॉडी को आगे झुका सकते हैं, लेकिन आपने 10 बार करना है और डे बाय डे इसको इंक्रीज करना है। जैसे आज आपने 10 बार किया तो अगले दिन आपको 20 बार करना है, फिर 30 बार, ऐसे आपको डे बाय डे अपने रैप्स जो है वो बढ़ाने हैं, ठीक है, तभी आपके अच्छा इफेक्ट आएगा। क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे, अगर लोअर बॉडी से नहीं कर सकते तो अपर बॉडी से तो कर ही सकते हैं ना बैठे बैठे, तो जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन भी सुधरता है, आपको जो पाचन से रिलेटेड समस्या है, आपका पेट फूलना, आपको कब्ज, वो सारी शिकायतें भी आपकी दूर हो जाएगी। अब बारी आती है सेकंड एक्सरसाइज की, जिससे कि आपका टमी तो जाएगा ही और साथ में जो आपका साइड फैट है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, साइड पे जाना है, कैसे, ऐसे अपने आपको एक साइड बेंड करना है। जब आप अपने आपको पूरा स्ट्रेच करेंगे तो आपके इस साइड आपको फील होगा कि आपके पेन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास बेड का सपोर्ट है तो एक हाथ बेड पे रखिए और दूसरा हाथ भी, जैसे मेरे पास बेड नहीं है तो दूसरा हाथ भी आप अपना बेड पे टच करने का ये वाला ट्राई करें, इजीली हो जाएगा, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं आप। धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। 10 times आपको राइट साइड करना है, 10 times ही आपको लेफ्ट साइड करना है। जैसे आपने आज 10 बार किया, आज 10 बार किया, कल आपको 20 बार इधर करना है, 20 बार इधर करना है, फिर एक दिन में ही आपको 30 बार इधर करना है, 30 times, और 30 times ही आपको अदर साइड पे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट होती है सेकंड एक्सरसाइज। अब हमें क्या करना है, साइड पे जाना है, अपने हैंड को ऐसे आप पीछे लेके जाइए और फिर साइड टच करने हैं अपने फ्लोर को, ठीक है। और फ्लोर ना हो तो चौकी लगा लीजिए नीचे और उस पे वहां पे साइड पे टच करिए अपने टोस को। बिल्कुल आराम से चेयर पे, बेड पे, सोफे पे आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिसकी थोड़ी सी हाइट हो ना बेड की तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उतना आपको बेंड होना पड़ेगा तो उतना ही आपका वहां का फैट टूटेगा जितनी आप हाइट से नीचे जाएंगे। ये
आपके मसल्स पे बहुत अच्छा वर्क करेगी जब आप करेंगे। तो इसको भी आपको 10 बार राइट साइड करना है और 10 टाइम्स ही आपको लेफ्ट साइड करना है, और इसके भी आपको करने हैं 5 सेट। तो आप छोटी चौकी घर में आपके होगी अवेलेबल, आप वो ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने जो एडी है वो आपको चौकी पे टिका लेनी है। टिकाने के बाद में आपने चक्की चलानी है, ऐसे अपनी बॉडी को पीछे बेंड करते हुए मैक्सिमम आगे ले जाते हुए इस तरीके से पीछे जाना है, ठीक है। वैसे हाथ बेंड नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरा स्टूल है तो थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं इसलिए स्लाइटली बेंड कर रही हूँ। आपकी जो बाजू है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए जब आप पीछे भी जाते हैं, तो तभी आपका परफेक्ट जो है वो लोड आता है आपके टमी पे, और साइड का भी जो फैट होता है ना वो भी कम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम से कम 10 बार करना है और मैक्सिमम जितना आपको रिजल्ट चाहिए उतना। आपको समझदार है ही आप सब। आपको क्लॉकवाइज करना है और 10 टाइम्स ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज आपकी कंप्लीट होती है सारी एक्सरसाइजेस। तो देखा दोस्तों आपने, इससे आपके घुटनों पर कोई जोर भी नहीं आया और सिर्फ इस एक दुपट्टे ने आपके पेट को कैसे स्ट्रेच कर दिया। अगर अभी भी आपने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी, सिर्फ देख रहे हैं, तो देखिए मत, देखने से कुछ नहीं होगा। डेली इसको फॉलो करें और फिर देखिए इसका बेहतरीन रिजल्ट। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दिल से मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबके लिए। तो चाहती हूँ कि आप जमकर शेयर करें और कमेंट करें।